हम लोग शहर के ऊपर हैं और रास्ता बहुत खतरनाक वाला है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और अभी बताने लायक भी है कि कैसे पहुंचे। और रास्ता इतना भयंकर था कि जिसका छोटा दिल होगा वो तो मेरे ख्याल से टपक जाएगा रास्ते में। दो दीवाने इस शहर में यहाँ से उतरते हुए सारा जहाँ है मेरे लिए मेरे लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज फिर से संडे है और आज फिर से हम लोग राइड पर हैं। तो जैसा आप लोगों को मैंने बताया था पिछले व्लॉग में, हमारे कुछ राइडर्स गए हुए हैं अभी स्टेट से बाहर, या यूं ही कह लेंगे स्टेट में ही है, बट राजस्थान अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा है कि उसको दूसरी स्टेट ही माना जाता है। तो भाई लोग गए हुए हैं जैसलमेर और यहाँ कुछ राइडर्स थे, बट आज मैंने सोचा सोलो राइड करेंगे, बट फिर यूवी भाई को मैंने रात को कॉल किया कि सुबह मॉर्निंग में राइड पर चलते हैं। तो ब्लॉग मैंने आज लेट चालू किया है और जैसा आप लोगों को पता होता है कि टॉक रोड पे हमारी डेस्टिनेशन रहती है हमेशा ही घीचू रेस्टोरेंट, तो अभी वहाँ बैठे हैं और मॉर्निंग का संडे ब्रंच हम लोग यहाँ लेने वाले हैं। इसके बाद जाएंगे एक नई जगह पे और एक नई एक्सप्लोरिंग पे। तो देखते हैं, अभी हम लोग फाइनल कर रहे हैं कहाँ जाना है, ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद में चलते हैं कुछ नया एक्सप्लोर करने। तो यहाँ हमारा पराठा लग चुका है, वहाँ यूवी भाई बैठे हैं सामने और ये कटलेट भी आ गए, ये आ गई हमारी चाय और फिर से ज्वाइन करते हैं इस नए ब्लॉग। तो लंच हो गया, लंच ही बोलूँगा, ब्रेकफास्ट से हैवी हो गया ज़्यादा और अभी निकल रहे हैं हम लोग। डेस्टिनेशन फाइनल हुई है नेवाई फोर्ट और ऑफ रोडिंग तो है ही है, साथ में आज ट्रैकिंग भी हो जाएगी। तो चलते हैं नेवाई फोर्ट। और तो ये है इस बार की संडे रिकमेंडेशन, जो लोग भी टॉक की तरफ जा रहे हो, कोटा की तरफ जा रहे हो, वो लोग ज़रूर आए क्योंकि टॉक रोड पे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं संडे ब्रंच के लिए या किसी भी डे के लिए। तो जस्ट लुक एट द प्रॉपर्टी, ये है घीचू रेस्टोरेंट। नाम थोड़ा अजीब है बट घीचू का मतलब मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था, घीचू का मतलब होता है जीमण। तो अभी यहाँ से निकला जाएगा, सामने खड़े हैं हमारे चीते जो रोज है पेट्रोल पीते। तो अभी निकलते हैं यहाँ से चलते हैं धनी वाई फोर्ट।
ओ फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं निवाई फोर्ट तक, जो कि सामने आपको दिखेगा। वो देखिए सामने पहाड़ पे दिख रहा है निवाई फोर्ट, जहाँ की ट्रैकिंग है, लगभग 2 किलोमीटर लंबी खड़ी चढ़ाई है। तो अभी हम लोग चढ़ेंगे ऊपर। यहाँ मेरे साथ है यूवी भाई, और जिस रास्ते से हम लोग आए हैं वो रास्ता ये है, कच्चा रास्ता है, पूरी मिट्टी मिट्टी है, आपको कहीं सड़क देखने को नहीं मिलेगी। और ये हमारी क्रूजर्स है जो कि इस ऑफ रोडिंग को झेलते हुए आई है। और सामने आप देखिए, ये है राजस्थान, ये है राजस्थान की खूबसूरती, और ये है राजस्थान का पुरातत्व। तो मैंने यहाँ से तो देख लिया है, अभी हम लोग तैयारी करते हैं ऊपर चढ़ाई की, और हमारी संडे एक्सप्लोरिंग में आप लोगों को ऐड करते हैं और लेकर चलते हैं सीधे निवाई फोर्ट के ऊपर। सो मेरे संडे वाले मित्रों, चालू हो गई है खड़ी चढ़ाई और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे ऊपर पहाड़ पे। तो संभल संभल के रखिए जनाब कदम। तो यहाँ से व्लॉगिंग हम लोगों ने स्टार्ट करी है और हम चढ़ रहे हैं ऊपर। हो रही सामने बाइक्स और अभी हम चलते हैं ऊपर। तब तक के लिए मैं कैमरा थोड़ा ऑफ कर देता हूँ। हालत देख सकते हो आप लोग पहाड़ चढ़ने के बाद में हालत क्या हो रही है, क्योंकि स्ट्रेट चढ़ाई है। अभी आके बैठे थोड़ी देर, सांस ले ले, फिर ऊपर चढ़ते हैं। फाइनली चढ़ गए। फाइनली हेलीकॉप्टर बुला लो नीचे। हेलो भाई लोग, तो फाइनली हम लोग आ गए थे फोर्ट के ऊपर, बट फोर्ट पे चढ़ते चढ़ते निकल चुकी है जान। और आप देख सकते हो अभी हाल क्या है, ये हाल है। और हमसे गलती हुई कि हम लोग पानी लाना भूल गए, और यहाँ पे कहीं पानी नहीं है, पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है। और अगर आपको सामने दिख रहा होगा तो सामने शहर दिख जाएगा आपको, और ये इसकी एंट्रेंस गेट है जहाँ पे हमारी बॉडी निढाल होके पड़ी है। तो थोड़ा सा बॉडी को देते हैं रिलैक्स, उसके बाद आपको लेकर चलेंगे इस टूटे फूटे महल के अंदर, जो कि एक टाइम पे विरासत थी। तो भाई लोग, ये है एक पुराना टूटा फूटा महल जो कि विरासत थी एक टाइम पे। हम लोग लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद ऊपर चढ़े हैं, और सामने अगर आप देखोगे तो ये निवाई शहर है। और रास्ता इतना भयंकर था कि जिसका छोटा दिल होगा वो तो मेरे ख्याल से टपक जाएगा रास्ते में। तो आप देख सकते हो जैसे तैसे स्टेप बना के हम लोग उतरे हैं यहाँ से, और एक एज है ये पूरी,
उस एज के ऊपर से हम लोगों ने रास्ता बनाया और उसके बाद हम लोग ऊपर आए हैं। तो दूर तक आप देखेंगे तो ग्रीनरी है, शहर है और है हम यहाँ पर। और ये है जी कुल मिलाकर के महल, जिसकी कोई देखरेख नहीं हुई है और देखरेख के अभाव में ये विरासत हो चुकी है नष्ट। तो आज का एडवेंचर ये था और हम लोग बहुत बुरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुके हैं। यूवी भाई बताएंगे, यूवी भाई कैसा रहा? हेलीकॉप्टर बुला लो, यहीं से एयरलिफ्ट होंगे वरना। या तो फिर लुढ़कते हुए चले यहाँ से। हेलमेट पहन लेते हैं। हाँ। लुढ़क जाते हैं। जूजू। हाँ। मन तो यही कर रहा है भाई लोग कि यहाँ पे कपड़े खोलें और उतार के पटक दे, पानी मिल जाए तो नहा लें और उसके बाद 2-3 घंटे यहीं पे पड़ जाएं। बट वो नहीं कर सकते क्योंकि नीचे बाइक्स खड़ी हुई है, अभी बाइक्स उठानी है और जयपुर के लिए निकलना भी वापस है। तो वापस उतरते हैं नीचे और लेके चलते हैं आपको वापस जयपुर। भाई नहीं, यहाँ से इधर से लेफ्ट ले लो। हाँ लेफ्ट ले लेते हैं। चलिए जिन जिन को सवारी करनी है हमारे साथ में आ जाएं। ये देखिए, यहाँ से दिखेगा आपको पूरा शहर और दो दीवाने इस शहर में। यहाँ से उतरते हुए आज हुई है थ्रिलिंग वाली एडवेंचर राइड और राइड के साथ साथ ट्रैकिंग भी। जबरदस्त राइडिंग और जबरदस्त ट्रैकिंग के बाद में आप लोगों को जल्दी मिलेगा।